मैंने भी बगावत कर दी, अंजाम अच्छा नहीं होगा तुम्हारा। जहन्नुम में जाओ तुम कारा तोयगर। और तरुल ने जान की बाजी मेरे लिए लगाई है, ये कह रहे हैं आप? उसने ये सब नुमान और उसके घर वालों को बचाने के लिए किया है, हमारी कोई फिक्र नहीं है उसे। मैं तो बस इतना जानता हूं इस सारी मुसीबत का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ अर्तुरुल है। बिला वजह इल्जाम तराशी नहीं कर रहा, मगर कुर्दोगलो एतिमाद के काबिल नहीं, ये बताना जरूरी था। टाइटस को खबर भिजवाओ फौरन, कारा तोयगर हमें सही सलामत चाहिए। खुदा का शुक्र है कि आप खैरियत से वापस लौट आए, उसने मेरी दुआएं सुन ली। सुलेमान, 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 तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। चुन चुन कर तुम्हें अंजाम तक पहुंचाऊंगा। तुम्हारे कबीले का नाम और निशान मिटा दूंगा मैं। अभी बताता हूँ तुझे शैतान की औलाद। हटो, क्या कर रहे हो तुम? कानून को अपने हाथ में क्यों ले रहे हो? सरदार खुद ही इसे अंजाम तक पहुंचा देंगे। सुलेमान, आपकी तबीयत ठीक नहीं, अक्का कोचो को बुलवा लेती हूँ, वो मायना कर लेगा आपका। फिक्र मत करो हाइमा, मैं बस थक गया हूं। असबाबे सरदारी कहाँ है? कुर्दोगलू का किया धरा है, ये तकिया रख ले, आराम करें आप। शुक्रिया। तुम घबराओ मत हाइमा, मैं कुछ देर आराम कर लूं, फिर इस बारे में पूछूंगा कुर्दोगलू से। या, 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 या। अर्तुरुल भाई ने अपनी तलवार घुमाई और दुश्मन की गर्दन उड़ा दी। काश के मैं भी वहां मौजूद होता ये सब देखने के लिए। तुम्हें पता है, मैं भी बड़ा होकर अर्तुरुल भाई की तरह बहादुर सिपाही बनूंगा और उन्हीं की तरह माहिर तीरंदाज। देखा तुमने? बहुत अच्छे तीरंदाज बनोगे तुम एक दिन। भाई, ये गीत मुझे बता रहा था कि कैसे आपने दुश्मनों का मुकाबला किया। और जो बहादुरी इसने दिखाई वो नहीं बताया इसने तुम्हें? मैं बाबा से मिलकर आता हूं अभी। कैसे हो दुंदार, मेरे जाने के बाद ठीक रहा सब? कबीले में बगावत हो गई थी और हलीमा बाजी के खेमे पर हमला भी हुआ था। हलीमा खेमे के अंदर थी? जी, हलीमा बाजी अंदर ही थी। क्या हुआ फिर? वो तो शुक्र हुआ कि वालिदा आ गई वक्त पर, वो हलीमा बाजी को अपने साथ ले गई। मुझे अंदाजा है तुम्हारी परेशानी का, बहुत तकलीफ में हो तुम, लेकिन तुम ठीक हो जाओगे। तुम परेशान ना हो, तुम्हारे सारे जख्म भर जाएंगे। जख्म तो भर जाएंगे, लेकिन मुझे उन लोगों की फिक्र है। आराम से खातून, आराम से। मेरी वजह से हमारे कितने सिपाहियों की जान चली गई, और कारा तोयगर अपने साथ ले गया मुझे यरगा माल बनाकर, और बाबा को भी उसने जिंदान में डाल दिया। सिर्फ मुझे बचाने की खातिर ये जिल्लत भी सहनी पड़ी बाबा को, और जिस अर्तुरुल की वजह से सब कुछ हुआ उसी के सब गर्विता बन गए। तुम खैरियत से आ गए और कारा तोयगर अंजाम को पहुंच गया, अब क्या मसला है? तुम्हारा तो कोई भी ताल्लुक नहीं है इस पूरे मामले से, तो फिर तुम्हें अफसोस किस बात का है? भाई, खुशामदीद अर्तुरुल साहब, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है।
भाई वालिदा ने खाना बना लिया होगा, मैं जा रहा हूं। एक बार फिर मुझे मकरूज कर दिया आपने। बाबा और येगत को बाहिफाजत अपने साथ वापस लेकर आ गए। अल्लाह का खास करम हो आप पर। उस रब का जितना भी शुक्र अदा करूंगा मैं। मुझे खबर मिल चुकी है जो कुछ मेरे जाने के बाद आपके साथ हुआ। परेशान ना हो आप, सजा से कोई नहीं बचेगा, ये मेरा वादा है आपसे। और जो तकलीफ आपको पहुंची उसके लिए माफी चाहता हूं मैं। आप तो यहां मौजूद नहीं थे, मगर आपकी बहादुर वालिदा हायमा खानम ने सबको खामोश करा दिया और मुझे अपने खैमे में ले गई। आप जो सजा तजवीज करेंगी वही मिलेगी उन्हें। यही बहुत है मेरे लिए कि आप खैरियत से वापस आ गए। मुझे किसी के गलत रवैये से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी गुजारिश है कि आप उन सबको माफ कर दीजिए अर्तुरुल। उनका कसूर नहीं है, उनके प्यारे मारे गए हमारी वजह से। बहुत रहम दिल हैं आप, इतना सब कुछ होने के बाद भी माफी का सोच नहीं। दुनिया में हमारा हर तरह के लोगों से वास्ता पड़ता है। उन लोगों में अच्छे लोगों से भी टकराव होता है और बुरों से भी। बाबा बता रहे थे कि आप सलजुक रियासत की सरहद तक हमारे साथ चल रहे हैं। इंशाल्लाह। सलजुक जाने से पहले आपको कुछ दिखाना चाहता हूं मैं, कुछ ऐसा जो आपको यकीनन पसंद आएगा। कुंदुक्तू, तुम्हें किस बात की शर्मिंदगी है? इस सारे मामले में कसूरवार सिर्फ अर्तुरुल है। तुम्हें मेरी बेबसी का अंदाजा नहीं खातून। अपने ही लोगों की नजरों में गिर चुका हूं मैं, और कबीले में भी मेरी कोई हैसियत नहीं रही। ऐसा कुछ भी नहीं है, जानते हैं सब लोग सच्चाई। पहाड़ के वजूद को हवा कभी भी उड़ा नहीं सकती। अपने आप को कमतर मत समझो, कोई कसूर नहीं तुम्हारा। बाबा दस्तरखान पे इंतजार कर रहे हैं। अब क्या होगा अगर कारा तोयगर ने खोल दी अपनी जबान? देखा जाएगा, जो भी होगा पीछे हटना मुमकिन नहीं। तीर कमान से निकल चुका अलपरगु। जनाब, कारा तोयगर तो अंजाम तक पहुंच जाएगा, मगर सुलेमान शाह की गैर मौजूदगी में हमने जो कुछ भी किया है, अगर उसके बारे में सुलेमान शाह को पता चल गया तो मेरी गर्दन पकड़ी जाएगी, वो मुझे जान से मार देगा। बैबोरा, ये वक्त इन बातों का नहीं है। तुम्हें अगर इतना ही डर है तो हमारे साथ क्यों शामिल हुए? अब सामना करना होगा हर मुसीबत का। अब क्या करना होगा मुझे? कुछ दिन के लिए गायब होना है तुम्हें, हालात बेहतर होने पर वापस आ जाना। ठीक है, समझ गया। मेरे लिए क्या हुक्म है जनाब? तुम्हें एक काम करना है। हम जो असबाब सरदारी हिफाजत के पेश नजर सुलेमान शाह के खेमे से लेकर आए थे, उन्हें वापस सुलेमान शाह के खेमे में रखना है। भाई कहाँ है तुम्हारा? हलीमा बाजी के साथ थे। माफी चाहता हूं देर से आने की। लोकचे, आ जाओ बेटा, तुम भी बैठो। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम।
मेहमानों के यहां से जाने के हवाले से मैं कुछ बात करना चाहूंगा आपसे बाबा। वो यहां से जाने की ख्वाहिश रखते हैं, कहां जाएंगे ये नहीं मालूम। सोचा है हलब जाते हुए उन्हें उनकी मंजिल तक छोड़ दूं, लेकिन आपकी इजाजत दरकार है। जर्गे से पहले मैं इस पर कोई फैसला नहीं कर सकता। भाई बोरा, ठीक हो गया ये। हमने तमाम असबाब सरदारी अपनी जगह पर रख दिए। क्या हुआ रहमान? कुर्दोगलू असबाब सरदारी वापस लेकर आए हैं और वो आपसे मुलाकात भी करना चाहते हैं। उससे कहो मेरा इंतजार करे। चलो बताओ, किसने बताया था तुम्हें हमजा के खैमे का रास्ता? शाबाश, सुन रहा हूं मैं, बताओ किसने बताया था तुम्हें वहां का रास्ता? नहीं बता सकता मैं, अगर मैंने बता दिया तो वो मुझे मार देंगे। वो तुम्हें मार देंगे? तुम्हें क्या लगता है अगर तुम हमें नहीं बताओगे तो हम तुम्हें जिंदा छोड़ देंगे? हाँ, बहुत तकलीफ हो रही है ना तुम्हें। हलीम अबाजी के खेमे पर पत्थर मारने से पहले सोचना चाहिए था ये। बताओगे? बताना पड़ेगा तुम्हें। वो कौन आदमी था जिसने तुम्हें इस काम के लिए उकसाया? कौन था बताओ? दुआ ना जाओ, लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं, कंकरियों से इनका कुछ नहीं बिगड़ने वाला। इनके लिए तो इसकी जरूरत है, फिर देखना कैसे बोलते हैं ये। भाई बोरा ने कहा था हमसे, उसी ने उकसाया था हमें। मिल गया जासूस।
बाबा की जिद खत्म नहीं होती। भाई मेरा सर फिरा है और दुश्मन इंतहाई चालाक और जालिम है। क्या ये सब काफी नहीं था जो एक गद्दार भी हमारे कबीले में वारिद हो गया? कौन है वो गद्दार? यही तो नहीं पता। अगर पता होता तो अपने हाथों से उसका गला दबा देता। हमें उसे ढूंढना होगा। तुम कह रहे हो कि कोई गद्दार है जो दुश्मन के साथ मिला हुआ है, तो फिर तुम्हें खामोश नहीं बैठना चाहिए। तुम्हें तो उसे तलाश करके फौरन अंजाम तक पहुंचाना चाहिए। मेरी बात सुनो, मुझे मालूम है कि वो गद्दार कौन है। मैं बता सकती हूँ तुम्हें उनके बारे में। हलीमा और उसका बाप जिन्हें अर्तुरुल छुड़वा के लाया था, मुझे यकीन है कि यही वो लोग हैं जो दुश्मन तक हमारी खबरें पहुंचाते हैं। जिन लोगों के बारे में तुम बात कर रही हो, पता भी है वो कौन है? क्या मतलब? सलजू खानदान से ताल्लुक रखते हैं वो, और वो कैदी नुमान एक शहजादा है, और जिससे तुम नफरत करती हो वो शहजादी है। इसी वजह से हमारे कबीले पर मुसीबतें टूट रही हैं। अर्तुरुल ने जो मुसीबत हम पर मुसल्लत की है, उसका अंजाम बहुत भयानक है। तुम ऐसे ही हाथ पे हाथ रखे बैठे रहोगे या फिर उन्हें यहाँ से निकाल बाहर करने का बंदोबस्त करोगे? क्या तुम्हारी अकल पर पत्थर पड़ गए? अर्तुरुल ने ही बचाया है शहजादी को, मेरी भी जान को, बाबा की भी जान को, और उसी ने गिरफ्तार किया है कारा तोयगर को। मगर अगर मगर कुछ नहीं, बहुत हो गया, चलो जाओ यहां से। पहले हमें अर्तुरुल साहब के साथ सलजुक रियासत से बाहिफाजत बाहर निकलना होगा, फिर आपकी हिफाजत मेरी जिम्मेदारी है। बेफिक्र हो जाइए शहजादे। तुम्हारी इस मावनत का शुक्रगुजार हूँ अफसिन पाशा, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। शर्मिंदा कर रहे हैं आप शहजादे, ये तो मेरा फर्ज है। बाबा, क्या बात है? मैं भागते भागते थक गया हूँ बाबा। मैं इस जिंदगी से परेशान हो चुका हूं। हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है बाबा? मुझे पहली दफा कहीं खुशी महसूस हुई है, पहली दफा दोस्त भी बने हैं। मुझे यहीं रहने दे बाबा, मुझे यहां से ना लेकर जाएं आप। हमारा जाना जरूरी है मेरे बच्चे। हलीमा की, तुम्हारी, सबकी बेहतरी इसी में है। Thank you.
मैंने पहली दफा इस घोड़ी को इन्हीं पहाड़ों के दरमियान देखा था जब महास पर निकला था। ये दूसरी सवारियों से मुख्तलिफ थी, इसी वजह से पसंद आ गई मुझे। बहुत वक्त लगा इसे सुधारने में और बहुत मुश्किल भी पेश आई। भाग जाती थी बार बार, मगर कुछ अरसे के बाद मानूस हो गई मुझसे, एतमाद हो गया मुझ पर, प्यार करने लगी मुझसे, और मुझे भी आदत हो गई है अब इसके साथ रहने की। अब ये तुम्हारी है, तुम्हारी सवारी बनकर रहेगी तुम्हारे साथ। इसे सुल्ताना पुकारता हूं, इंशाल्लाह हमेशा साथ निभाएगी तुम्हारा। हमारा सफर बहुत कठिन है, मंजिल तो सामने है मगर रास्ता मुश्किल है। शुक्रिया अर्तुरुल साहब, सुल्ताना का बहुत ख्याल रखूंगी मैं। जब तक जिंदा हूं ये मेरे साथ ही रहेगी इंशाल्लाह। माफी चाहता हूं भाई, वो आदमी मिल गया है जिसने लोगों को उकसाया था। कौन है वो? भाई बोरा। उम्मीद है तुम्हें इंतजार की जहमत नहीं हुई होगी। मैं जानता हूं तुम्हें इंतजार करना बिल्कुल पसंद नहीं। क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं आप? अगर जरूरत पड़ी तो मेरी जान भी हाजिर है। आपका साया कायम रहे, अल्लाह आपको सेहत अता करे। खबर दो मुझे, क्या हुआ मेरे पीछे, क्या चल रहा है कबीले में? अच्छी खबरें नहीं सुनी है मैंने। हमजा को लोगों ने देख लिया था सरदार, उन्हें शक हो गया था और उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया था। वो तो अच्छा हुआ कि हायमा खानम आ गई, इन्होंने आकर सबको खामोश करवा दिया। हायमा ने आकर सबको खामोश करवा दिया, और तुम कहां थी उस वक्त? मैंने सबसे पहले कबीले के मौजज़ीन को बुलाया और उनको समझाया। वो बहुत मुश्ताइल थे, बड़ी मुश्किल से उनके जज्बात ठंडे किए मैंने। जो कुछ भी मेरे बस में था मैंने किया। अब तमाम नतायज आपके सामने मेरे सरदार। और मुझे ये बताओ कि असबाबे सरदारी कहां लेके गए थे कुर्दोगलू? वो मैं हिफाजत के पेश नजर अपने खेमे में ले गया था, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि असबाबे सरदारी को कोई नुकसान पहुंचे। शुक्रिया तुम्हारा, मगर कोई जासूस मौजूद है कबीले में? मेरा भी यही मतलब है, किसी एक आदमी ने हमजा को देखा होगा, और जब अक्का कोजा हमजा की मरहम पट्टी करने गया तो उसी आदमी ने लोगों को भड़काया। मगर ये पहली दफा नहीं हुआ कुर्दोगलो, उनके हमले में जरूर किसी जासूस ने मदद की है उनकी, और वही आदमी कारा तोयगर को भी हमारी खबरें पहुंचाता है। अगर वहां अर्तुरुल हमारे साथ मौजूद ना होता तो सब कुछ खत्म हो जाता, कुछ भी ना बचता। अगर कोई जासूस मौजूद है तो मैं उसे तलाश करके अपने हाथों से उसकी जान लूंगा।
मेरे लिए कोई और हुक्म है सरदार? हमें आज जिरगे में कारातोईगर का फैसला करना है। मैं चाहता हूं कि उसे सुल्तान के सामने पेश करके सजा दिलवाई जाए। तुम्हें इस पूरे मामले में मेरा साथ देना है, कबीले वालों को मुतमईन करना है। आपका फैसला सर आंखों पर मेरे सरदार, बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए। हाय मां, मेरी बहादुर बीवी, तुमने मेरा बहुत साथ दिया है। अब फिक्र की कोई बात नहीं, कुर्दोगलू ने ठीक किया था, बिल्कुल ये जरूरी था। अल्लाह आपको सलामत रखे सुलेमान। यहां मेरे खेमे में क्या कर रही हो? पहले ही क्या मुश्किलात कम है जो और मुश्किलात पैदा कर रही हो? ज्यादा बातें ना बनाओ कुर्दोगलू, हम दोनों इस साजिश में बराबर के शरीक हैं। या तो हम इसमें कामयाब हो जाएंगे या नाकाम। जो बात मैं तुम्हें बताने वाली हूं उसे सुनकर तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। क्या तुम्हें मालूम है उन कैदियों के बारे में जो हमारे कबीले में मेहमान बने बैठे? ठीक है कुर्दोगलू साहब, कुंदोगदू को बता दूंगी कि आप आएंगे। बहुत शुक्रिया आपका। खैरियत अर्तुरुल, तुम्हारे चेहरे पर ये परेशानी के आसार कैसे हैं? बायबोरा कहाँ है बताइए मुझे। मुझे क्या पता अर्तुरुल, लेकिन मैं जल्द उसका पता लगा लूंगा। सहमत ना करें आप, मैं ढूंढ लूंगा। बाजी, बाजी, क्या हुआ? अर्तुरुल हलीमा के साथ था, दरख्त के नीचे खड़े बातें कर रहे थे। वो मुझसे मेरे अर्तुरुल को छीन लेगी और मैं देखती रह जाऊंगी। अर्तुरुल ने अपनी घोड़ी भी तोहफे में उसे दे दी है। बहुत हो गया, अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। बस आंसू ही बहाती रहना तुम यहां बैठकर। अर्तुरुल को सब मालूम हो गया है भाई बोरा के बारे में। उसकी जबान खुलने से पहले हमेशा के लिए बंद कर दो। मैं अंदर आ सकती हूं बाबा? आ जाओ बेटा, आ जाओ। कैसी तबीयत है बाबा? किसी चीज की जरूरत तो नहीं है आपको? शुक्रिया बेटा। तुम कैसी हो? कुंदुकतू कहाँ है? बहुत अफसरदा है बाबा, उसकी हालत देखकर बहुत खौफजदा हूं मैं। बहुत जुल्म सहा है, अपने सिपाहियों के शहीद होने की वजह से बहुत रंजीदा है। हलब जाने का मशवरा उन्होंने दिया था लेकिन उन्हीं को नहीं भेजा गया। अपने नजरअंदाज किए जाने का बहुत सदमा पहुंचा था उन्हें, और जब अर्तुरुल ने उन्हें बताया कि वो हलब जा रहा है तो कितनी तकलीफ हुई थी उन्हें। गुंदोगदू को जाना चाहिए था हलब, क्योंकि उन्होंने बड़ी मेहनत से हलब की जमीन ढूंढी थी, लेकिन पानी फिर गया उनकी सब उम्मीदों पर। एक तरफ गुंदोगदू का दुख, दूसरी तरफ गोक्चे का,
जब से सुना है कि अर्तुरुल हलीमा के साथ हलफ जा रहा है, रो रो कर बुरा हाल है। बहुत हसास है मेरी बहन, आप जानते हैं। अर्तुरुल की वो बहुत इज्जत करती है और उसे अपनाना चाहती है। अर्तुरुल बेटा, सारा गुस्सा लोहे के औजार पर निकालोगे क्या? ये कारा तोइगर का सर नहीं है। तुम कुछ परेशान लग रहे हो, लेकिन मुझे बताना नहीं चाहते। बताने का फायदा? क्यों नहीं होगा फायदा? देखो बेटा, जुदाई का गम बाकी सारे गमों से बड़ा होता है। ये हम इंसान का कभी भी पीछा नहीं छोड़ता, याद रखना। जनाब, आपसे कोई मुलाकात करना चाहता है। कौन है? और ये एक ऐसा गम है जिससे बड़े बड़े लोग पीछा छुड़ाने में नाकाम रहे हैं। मेरा गम ऐसा नहीं कि उसे आयां किया जाए, और ना ही मैं अपने जज्बात को लफ्जों में बयान कर सकता हूं। लफ्ज तो दिल के अक्कास होते हैं, और दिल को हल्का करने का जरिया भी। अगर तुम्हारे दिल में सच्चाई होगी तो तुम्हारी जुबान से सच ही निकलेगा। अगर तुम्हारा दिल मुतमईन है तो तुम्हारे अल्फाज और तुम्हारा दिल रास्ता खुद ही ढूंढ लेंगे। तुम्हारा दुख वाज़े है, और ये दुख किसी भी जंगजू की कमर को तोड़ सकता है। अगर तुम सच्चे हो तो अल्लाह जरूर तुम्हारी मदद करेगा। कर दो इजहार अपनी मोहब्बत का, वरना पछताओगे। सच कह रहे हैं दमीर भाई, लेकिन उसके बाबा और भाई बहुत अहम हैं उसके लिए और मेरे लिए काई कबीला। कबीले की असल खुशी तो उसमें रहने वाले ही होते हैं। तुम अर्तुरुल तभी हो जब तुम अपनी मोहब्बत के साथ हो। अगर तुम्हारी मोहब्बत तुम्हारे साथ नहीं है तो सब कुछ बेकार है। जाओ, अपने दिल की बात कह दो उसे, तुम्हें सुकून आ जाएगा। शहीदों के जनाजे आ गए। आखिर क्या चाहते हो तुम मुझसे? मैं चाहता हूं कि तुम काई कबीले को हमारी सरहद से दूर रखो, क्योंकि मुझे कारा तोइगर ने बताया है कि तुम काफी अकलमंद आदमी हो, और ये भी कि
तुम काफी शातिर दिमाग रखते हो। इस्काई कबीले और तुम्हारे मुस्तकबिल का इन्हिसार सिर्फ और सिर्फ कारा तोयगर पर है। वही शख्स है जो तुम्हें काई कबीले का सरदार बना सकता है। उसके बाद तुम जहां चाहो जा सकते हो। तुम्हारे कबीले के लोगों की मौत के जिम्मेदार भी सिर्फ तुम ही हो, और तुम उसी सूरत बच सकते हो अगर तुम सरदार बन जाओ। कारा तोयगर को कबीले से निकालना बहुत मुश्किल है, लेकिन तुम अपनी ताकत के बलबूते पर उसे निकाल सकते हो कबीले से। तुम यहां मुझे क्यों लेकर आए हो अलपरगु? अर्तुरुल जान चुका है तुम्हारे बारे में। कैसे? ये तो तुम्हें मालूम होना चाहिए। अल्लाह गारत करे तुम्हें, तुमने मुझे फंसवा दिया, कुर्बानी का बकरा बना दिया मुझे तुमने। अब क्या होगा मेरा? तुम्हारे और कुर्दोगलों की वजह से ही सारी बुराई मुझ पर आ गई है। अब कैसे बचूंगा मैं? जितना जल्दी हो सके यहां से निकलकर कहीं और चले जाओ तुम। कहां जाऊंगा मैं? हां बताओ मुझे, बच्चों का क्या होगा मेरे? उन्हें अकेला छोड़कर कैसे चला जाऊं मैं? जब सब कुछ ठीक हो जाएगा लौट आना। तुम क्या समझते हो ये मामला इतनी आसानी से सुलझ जाएगा? हैं? कितना नुकसान किया है हमने उनका। काफले पर हमले में हमारे सिपाही भी मारे गए हैं। तुम्हें लगता है कि सुलेमान शाह इतनी आसानी से सब कुछ भूल जाएगा? बस बंद करो बायबोरा। अब मेरे बच्चे यतीम हो जाएंगे, अब कौन उनका सहारा बनेगा? कबीले से निकाल दिया जाएगा उन्हें। छोड़ो मुझे। तुम परेशान मत होना, तुम्हारे बच्चे मेरी जिम्मेदारी है। जाओ शाबाश। सफ़े सीधी कर लें अपनी। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। हमारे ये शहीद हमारी दुआओं के मुंतजर रहेंगे। क्या आप उनके लिए दुआ करेंगे? हाँ, बिल्कुल करेंगे। इनके लिए कुरान पढ़ेंगे? हाँ, बिल्कुल पढ़ेंगे। इनको हमेशा याद रखेंगे? हाँ, बिल्कुल करेंगे। अल्लाह इनको जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। रोज़े महशर इनको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की शफ़ात नसीब फरमाए। इनको अपने जवार रहमत में जगह अता फरमाए। दुआ के लिए हाथ उठाइए। अल फातिहा।
सुलेमान के हुक्म को हर कीमत पर पूरा करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। वक्त आ गया है। ये मत भूलें कि बाबा अभी जिंदा हैं कुर्दोगलो। जरूरत पड़े तो उनको जहन्नम वासिल करने से मत हिचकिचाना।